प्राप्यते फलमुत्थानात् लभ। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री, राज्य के लिए 15,700 करोड़ की सौगात। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। देश को मिली दो नई अमृत भारत ट्रेन के साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री ने नया एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी किया उद्घाटन। अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किया अयोध्या वासियों को संबोधित। कहा 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का उत्सुकता के साथ दुनिया कर रही है इंतजार। अयोध्या के पुरातन पहचान को आधुनिकता से जोड़कर वापस लेने का किया आह्वान। कहा आने वाले समय में अयोध्या देगी उत्तर प्रदेश के विकास को दिशा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सव में की शिरकत। गांधीनगर में भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की रखी आधारशिला। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का हुआ पहला विस्तार। किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन राठौड़ समेत 22 विधायक बने मंत्री। महिला क्रिकेट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई टीम। अलिसे पेरी और लिटफील्ड ने लगाया अर्धशतक। दीप्ति शर्मा ने लिए 5 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। राजधानी जयपुर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सवाई माधोपुर से विधायक डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खिमसर, सुरेश सिंह रावत, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत और अविनाश गहलोत ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। और ज्यादा जानकारी के लिए जया गुप्ता जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जया, समझना चाहेंगे भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज हुआ है, आप राजस्थान की सियासत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके के समीकरण है वर्तमान में? जी, राजस्थान में अगर देखें तो जो मंत्रिपरिषद का गठन है वो आखिरकार कर दिया गया है। सीएम के शपथ ग्रहण के लगभग 15 दिन बाद ये गठन किया गया है और इसमें देखें तो 22 मंत्रियों ने शपथ ली है और खास बात यह है कि 17 जो है इसमें नए चेहरों को मौका दिया गया है। जिन सांसदों को यहाँ उतारा गया था चुनावी मैदान में, उनमें भी 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। सिर्फ केवल 5 ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और अगर हम सियासी समीकरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ मंत्रिपरिषद में जगह मिली है जो कि अभी तक विधायक भी नहीं है। श्रीगंगानगर की जो श्रीकरणपुर सीट है उससे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उन्हें भी यहाँ मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं खास माना जा रहा है क्योंकि वे अभी तक विधायक ही नहीं है और वहाँ पर जो है चुनाव 5 जनवरी को होना है। जी पराक्रम, जय, साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि विभागों का जो एक तरीके से क्रियान्वयन है ये आखिर कब तक हो जाएगा? हालांकि देखिए, एक लंबा समय गया मंत्रिपरिषद के विस्तार में भी, हालांकि अब ये चूंकि अब शपथ दिला दी गई है और जैसा कि आपने बताया कि जितने मंत्री, इनमें कई बड़े नाम भी है जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़,
जो कि सांसद थे लेकिन अब विधायक और अब कैबिनेट मंत्री की शपथ उन्होंने ली है, तो संभवतः विभागों का बंटवारा, मंत्रालयों का बंटवारा, उसके कब तक संभावना है होने की? जी, अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जो है विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो दो डिप्टी सीएम भी काफी समय से बने हुए हैं लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है। और अभी चूंकि 22 नए मंत्री बना दिए गए हैं तो विभागों का जो बंटवारा है वो भी अगले 1 से 2 दिन में करने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं बात करें तो जिन सांसदों को यहाँ मंत्री के रूप में मौका मिला है उन्हें कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी धन्यवाद जया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के जयपुर से हमारे सहयोगी जया जानकारी दे रही थी, 22 मंत्रियों को भजन लाल शर्मा के जो मंत्रिमंडल है उनमें शपथ आज उन्होंने ली है, और अब भजन लाल शर्मा राजस्थान की सियासत को किस तरीके से आगे चलाते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे की। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आसन्न श्री राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए 4 नव पुनर्विकसित चौड़ी और सौंदर्यपूर्ण सड़कों, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अन्य कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के कार्य और 5 पार्किंग और वाणिज्यिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मजबूती तो मिलेगी ही और साथ ही साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के अयोध्या के बारे में किए गए उल्लेख का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य के साथ ही वैभव का भी शिखर था। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुरानी पहचान को आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब रामलला तंबू में थे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी आवास मिला है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है।
आज देश में सिर्फ केदारधाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में हो रहा आयोजन प्रगति और परंपरा का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहां विकास और विरासत की भव्यता दिख रही है। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाने वाले टर्मिनल भवन के अग्रभाग का भी उद्घाटन किया। अयोध्या में अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण को 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। खास बात यह है कि टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के आसन्न श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। हवाई अड्डे के क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण, जिसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, 240 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 3 मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा अर्चना की सामग्री की दुकानों, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 2 नई अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस है। अमृत भारत ट्रेन गैर वातानुकूलित डिब्बों वाली एक LHB पुशपुल ट्रेन है बेहतर गति के लिए। इस ट्रेन के दोनों छोरों पर इंजन लगे हैं। ये रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, बेहतर सामान रैक, उपयुक्त मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलोर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब विकास परियोजनाओं की सौगात देने अयोध्या पहुंचे तो उनका लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राम की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का काफिला जब रोड से गुजर रहा था तो उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े थे। इस दौरान
दिव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण की झलक भी देखने को मिली। रोड शो के जरिए देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक हर तरफ देखने को मिल रही थी। कई जगहों पर मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने अयोध्या दौरे पर मीरा से मुलाकात की। मीरा को मोदी सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिला है। आज मीरा के पास अपना पक्का घर है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिला है। मीरा उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मीरा के हाथों की बने चाय पी और परिवार का हालचाल जाना। मीरा और उनका परिवार प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद प्रसन्न है। मीरा और उनके परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। हमारे साथ मौजूद हैं मीरा और सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की है, ये बताइए क्या कहा प्रधानमंत्री ने मीरा जब आप मिली? उनने पूछा क्या क्या लाभ मिला है। मैंने कहा मुझे आवास मिल गया और क्या कहते हैं गैस भी मिल गया, पानी भी फ्री का मिल रहा है। अभी हम बोले कैसा फील हो रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोले क्या क्या बनाई हो गैस पे, मैंने कहा कि दाल चावल सब्जी मैंने बनाया है। तो बोले और कुछ, मैंने कहा चाय आपके लिए बनाया है। तो प्रधानमंत्री ने आपकी चाय पी जो आपने बनाई थी, जो नए गैस पर जो उज्ज्वला के तहत मिली है? जी मैंने चाय बनाया था, उनने पिया चाय, बोले बहुत मीठी है। मैंने कहा मैं मीठा ही बनाती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा चाय बहुत मीठी अच्छी है। बोले बहुत अच्छा है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर, कभी सोचा था प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी? मैंने कभी नहीं सोचा था जी, बहुत खुशी मिली हमको जी। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? बोले यही कहना चाहेंगे कि आप आए मेरे घर, बहुत अच्छा लगा हमें। और क्या बोले, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, आपकी पत्नी को इतनी सारी चीजें मिली है, मुफ्त गैस कनेक्शन, आवास मिला है, आपसे भी कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, क्या कहना चाहिए? पूछ रहे थे कि मतलब जो जो सुविधाएं मतलब है वो सब आपको लाभ मिला? तो बोले हाँ लाभ मिला। क्या क्या मिला लाभ? बोले आप आवास पहले नंबर तो मिला हमको, सबसे पहले आवास ही मिला था। फिर उसके बाद में और कुछ और क्या क्या मिला? तो हम बोले कि मतलब पानी भी फ्री में मिल रहा है, राशन फ्री में मिल ही रहा है, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन अभी जल्दी मिला। बोले खुश हो, मतलब बहुत खुश हैं आपसे। बोले कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ के बोले कोई दिक्कत नहीं, आपसे हम बहुत खुश हैं। कभी सोचा था प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे आपसे? कभी नहीं सोचा था। ये तो ऐसे लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, अभी मैं नींद, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई हकीकत है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो सूरज और मीरा है, प्रधानमंत्री ने मुलाकात की अयोध्या दौरे पर, बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका कुशलक्षेम पूछा, बहुत प्रसन्न है कि सपने में नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे उनसे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो या फिर आवास योजना हो, उसका लाभ मीरा और सूरज को मिला है, इनके परिवार को मिला है। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। दिल्ली से इंडिगो की पहली फ्लाइट अयोध्या पहुंच गई है। यहां पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार किया गया। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं ने सबसे पहले अयोध्या की धरती को नमन किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारे भी लगे। ये काम हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम अहमदाबाद द्वारा आयोजित पूज्य पुरानी स्वामी स्मृति महोत्सव में भाग लिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की सराहना करते हुए कहा कि गुलामी के कालखंड में भी ये लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। पूरे देश भर में स्वामीनारायण के संतों ने
संस्कार की ये सर्वाणी, संस्कार की ये नदी बहाना शुरू किया है, परंतु गुजरात इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को देश में हुआ है तो गुजरात में हुआ है। गुलामी के उस कालखंड में भक्ति के माध्यम से, सनातन धर्म से जुड़ा रहना, व्यसन मुक्ति, शिक्षा और परिवार को एक रखने के गतिविधियों से स्वामीनारायण संप्रदाय ने ढेर सारे लोगों के जीवन में दीप जलाने का काम किया है। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखी। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में एक डाक टिकट जारी किया। Had migrated to Sri Lanka at that point of time. And we all know that Britishers had their own intentions at that point of time. They had encouraged the Sri Lankans, the Tamilians, to migrate, to go to Sri Lanka, because they had started in the early 19th century, they had started the economic activities there, and they wanted people to work there in the fields. And at that point of time, the Britishers encouraged the Tamilians, the our Indian origin Tamils who went there as working in the fields. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार की कैलेंडर 2024 का विमोचन किया। साल 2024 के कैलेंडर की थीम हमारा संकल्प विकसित भारत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 2024 के कैलेंडर में मोदी सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों को संकलित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार में सेवा का भाव, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का है जो आज साकार हो रहा है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ष 2024 की सभी को शुभकामनाएं दी। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार, मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। हम सब के सामने एक बड़ी अवसर होता है कि अंग्रेजी नए वर्ष के लिए भारत सरकार का एनुअल कैलेंडर आपके सामने लेकर आए, और आप सभी का भारत सरकार के बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर का लॉन्च समारोह में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज से एक दिन के बाद अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको सन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। संकल्प यात्रा के तहत बागेश्वर में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कई महिलाओं ने बताया कि हर घर जल योजना की वजह से उन्हें दूर दराज पानी लेने नहीं जाना पड़ता है।
सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को मैदानी पहाड़ी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। आईसी वैन जब बागेश्वर के अमतोड़ा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों को एलईडी के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत लाभार्थियों ने बताया कि कई योजनाओं की वजह से उनका जीवन आसान हुआ है। इस यात्रा के दौरान क्या कहते हैं, जो भी गांव के लोग हैं उन तक ये योजना पहुंच रही है, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, हर घर जल, हर घर नल वाली योजना और आदि कई योजनाएँ हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे गाँव तक एवं हमारे मतलब देश तक पहुंचा रखी है। जो माँ धुएं से जल रही है उसे गैस कनेक्शन मिला है और कोविड-19 से अभी तक फ्री राशन मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है और घर घर नल, घर घर जल पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं पर प्रदान की गई है मोदी जी द्वारा। मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर पात्र लोगों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही तीसरी वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 170 रन बना लिए थे। कप्तान एलिसा हीली 13 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद एलिसे पेरी और लिचफील्ड ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाना जारी रखा। पेरी ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया, वो 50 रन बनाकर आउट हुई। लिचफील्ड भी अर्धशतक लगाने में सफलता पाई और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज।